चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दिल्ली, एमपी, गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टेट्स की इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीसी का नोटिस देख लेते हैं। एमसीसी ने एक नोटिस दिया है सीडब्ल्यू कैंडिडेट के रिगार्डिंग, यानी कि जो कैंडिडेट दिल्ली स्टेट से हैं, जिन्होंने दिल्ली से 11th 12th पास कर रखा है और वो डीयू में CW के अंडर यानी डिफेंस में है, CW के अंडर रिजर्वेशन चाहते हैं, तो उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, वो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं FMSC की साइट पर, यानी कि दिल्ली कोटा के लिए CWD कैंडिडेट के लिए, CW कैंडिडेट्स के लिए ये सेकंड राउंड के लिए कंसीडर होंगे ये कैंडिडेट्स। इसके बाद में रिजाइन की डेट 8 अगस्त 2023 तक शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को एमसीसी के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो उसको अब रिजाइन करना चाहते हैं तो वो आज शाम 6 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है फर्स्ट राउंड एमसीसी का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे एफएमसी की। तो एफएमसी की मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है वो 10 से 12 अगस्त 2023 तक एफएमसी ज्वाइन कर ले। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो afmc.nic.in की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट पड़ी है। अगर जिन कैंडिडेट ने एफएमसी के लिए पार्टिसिपेट किया था वो अपना मेरिट स्कोर देख सकते हैं और उनका सिलेक्शन हो गया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिहार स्टेट का। तो बिहार स्टेट का फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग के लिए शेड्यूल आ चुका है, रिजल्ट के लिए भी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है, यानी कि इसमें चॉइस फिलिंग की डेट 9 अगस्त 23 से स्टार्ट होगी और 14 अगस्त 23 तक रहेगी और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 20 अगस्त 23 को डिक्लेयर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट 21 से लेकर 24 अगस्त तक रहेगी और सेकेंड राउंड का जो पब्लिकेशन होगा वो बाद में बताया जाएगा कि सेकेंड राउंड के कब रिजल्ट आएगा इसमें। जैसा कि आपको पता है बिहार में फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ स्टेट की अपडेट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट का रिजल्ट आना था 6 अगस्त 23 को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया है, यानी कि जो रिजर्वेशन था एसटी कैंडिडेट को दिया गया था इस बार कम किया गया था, वह फिर से लागू पहले वाला जैसा ही हो रहा है, तो इसमें उसी वजह से ये जो रिजल्ट है वो डिले हो गया है और फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, यानी कि 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है या एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं की है, वो कैंडिडेट दोबारा ये कर सकते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट से। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी लास्ट डेट 10th ऑफ अगस्त 23 रखी गई है। अब बात करते हैं हम आगे तेलंगाना स्टेट्स के लिए। तो तेलंगाना स्टेट्स के भी मैनेजमेंट कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 12th ऑफ अगस्त 23 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब एक बार बात कर लेते हैं कर्नाटक स्टेट के लिए। तो कर्नाटक स्टेट का भी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है और इसमें फर्स्ट राउंड के लिए ऑप्शन एंट्री शुरू हो चुके हैं। 9th ऑफ अगस्त 23 लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग का, उसके बाद इसमें 16 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। इसमें मॉक अलॉटमेंट हुए होगा और मॉक अलॉटमेंट में आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद में कॉलेज को अप डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका शेड्यूल आ चुका है। जो कैंडिडेट्स अगर कर्नाटका में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो वेरिफिकेशन स्लिप दोबारा से डाउनलोड कर ले और फिर से उसमें सीईटी नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा उसमें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले एमपी स्टेट की कट ऑफ देख लेते हैं। एमपी ओपन 567, जीएमसी सतना मिला है सभी कैटेगरी में, क्योंकि ये नया कॉलेज है और लास्ट कट ऑफ का यही कॉलेज रहा है। ओपन 568, ईडब्ल्यूएस 560, ओबीसी 565, एससी 450 और एसटी 343 एमपी स्टेट का कट ऑफ रहा है। अब बात करें दिल्ली आईपीयू का, जिससे हाई कट ऑफ रहता है जिस स्टेट का, उसकी कट ऑफ ओपन कैटेगरी की 675 बीएससी मेडिकल कॉलेज, 674 एनडीएमसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 649 बीएससी और 646 एनडीएमसी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 629 बीएससी और 624
एनडीएमसी, एससी कैटेगरी 591 बीएसए और 564 एनडीएमसी, एसटी कैटेगरी में 516 बीएसए और 489 एनडीएमसी दिल्ली। इसके बाद में आर्मी की जो सीटें हैं एसीएमएस में, उसमें 605 कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड की। इसके बाद गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात स्टेट में तीन टाइप्स के कॉलेज हैं। सबसे पहले जो पुराने कॉलेज हैं, राजकोट है, बड़ौदा है, सूरत है, जामनगर है, भावनगर है, अहमदाबाद है, ये सारे जो छह कॉलेज हैं इनमें सबसे कम कट ऑफ रही है भावनगर की। ओपन कैटेगरी में 615, ईडब्ल्यूएस में 611, एसई कैटेगरी में 593, एससी कैटेगरी में 531 और एसटी कैटेगरी में 357 कट ऑफ रही है भावनगर की। अब जीएमआरएस की बात करें, वाडनगर की सबसे कम कट ऑफ रही है, तो ओपन कैटेगरी 557, ईडब्ल्यूएस 554, एसई 548, एससी 485 और एसटी 296 कट ऑफ रही है इसकी। अब बात कर लेते हैं नमो सिलवासा की, तो इसमें ओपन कैटेगरी 554, ईडब्ल्यूएस 546, एसई 523, एससी 472 और एसटी 279 कट ऑफ रही है नमो सिलवासा की। अब बात करते हैं हम यहां पर आसाम स्टेट की, तो ओपन कैटेगरी की 522 जेएमसी कोकराझार रहा है, ईडब्ल्यूएस 568 तेजपुर मेडिकल कॉलेज रहा है, ओबीसी एमओएम ओबीसी जो एनसीएल कैटेगरी है कोकराझार रहा है 436 पर, एसटीपी कैटेगरी 371 सिलचर रहा है और एसटीएस कैटेगरी 305 सिलचर रहा है। यूआरपीडब्ल्यूडी बात करें 136 नलवारी रहा है, स्पोर्ट्स की 132 तेजपुर रहा है, एक्स सर्विसमैन 244 जीएमसी सिलचर रहा है और ओबीसी एमओबीसी जो मोरान है कोकराझार रहा है 287। अब बात करेंगे हम झारखंड स्टेट की, ओपन कैटेगरी 601, ईडब्ल्यूएस 581, बीसी 1599, बीसी 2B599, एससी 444, एसटी 324, टाटा मणिपाल 558 और लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू 145 कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड झारखंड की। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, ओबीसी यानी कि वेस्ट बंगाल में यूआर कैटेगरी की बात करें तो 590, ईडब्ल्यूएस 543, ओबीसी ए 589, ओबीसी बी 582, एससी 484, एसटी 264, केपीसी मेडिकल कॉलेज जहां का बजट आपका 73 के नियर बाई पड़ेगा वो 526 कट ऑफ रही है उसकी, और अदर कॉलेज जैसे जीएसआई हो गया, आईक्यू हो गया, तो इनका बजट आपका 1 करोड़ नियर बाई पड़ेगा, 109 कट ऑफ रही है इन कॉलेजेस की। तो ये कट ऑफ है, मैंने आपको 6 स्टेट्स की बता दी है, बाकी स्टेट्स की समय समय पर मैंने पहले भी कट ऑफ बता दी थी आपको, बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनकी भी कट ऑफ आपको बता दी जाएगी। तो ये जानकारी थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।